क्या? Are you sure? ठीक है। क्या हुआ रंजीत? हमारे बोट्स सारा सामान पुलिस ने पकड़ लिया। My God! फिर वही ऑफिसर? हाँ, शिव कुमार। सुधीर, ढेर सारी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके इस अभिनेता को आपने भी कई फिल्मों में जरूर देखा होगा। ये कभी विलेन बने तो कभी इन्होंने शरीफ आदमी के रोल निभाए, कई दफा कॉमेडी की तो एक दो फिल्मों में गंभीर किरदार भी इन्होंने किए। हालांकि ये बात हैरान कर देने वाली है कि ज्यादातर फिल्मों में विलेन के रोल में नजर आने वाले सुधीर ने करियर की शुरुआत बतौर हीरो की थी। किस्सा टीवी पर आज पेश है गुजरे जमाने के एक बड़े ही शानदार अभिनेता यानी सुधीर की कहानी। सुधीर का फिल्मी सफर कैसा रहा और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सुधीर को क्यों इतनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी, आज यही कहानी हम आपको बताएंगे। सुधीर का जन्म हुआ था सन 1944 में। इनका पूरा नाम था भगवान दास मूलचंद लुथरिया, लेकिन 60 के दशक में जब ये फिल्मों में आए तो इन्होंने अपना नाम सुधीर रख लिया। पहली दफा ये नजर आए थे साल 1962 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम पत्र में। ये फिल्म महान निर्देशक बिमल रॉय ने बनाई थी और इस फिल्म में लीड रोल में शशि कपूर और साधना थे। सुधीर साहब इस फिल्म में एक कॉलेज स्टूडेंट बने थे। सुधीर साहब के करियर की दूसरी फिल्म थी चेतन आनंद की हकीकत। ये फिल्म साल 1964 में रिलीज हुई थी। अपनी शुरुआती दोनों फिल्मों में सुधीर सपोर्टिंग एक्टर के किरदारों में दिखे थे, लेकिन साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म एक फूल एक भूल में ये पहली दफा बतौर हीरो नजर आए। ये फिल्म उस दौर के जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर केदार कपूर ने बनाई थी। फिल्म में इनकी हीरोइन थी जेब रहमान। इस फिल्म में मुमताज, हेलेन, चमनपुरी, मदनपुरी, देव कुमार और केएन सिंह जैसे उस दौर के दिग्गज सितारे मौजूद थे। बतौर हीरो इनकी अगली फिल्म थी उस्ताद 420, जो कि अगले साल यानी 1969 में रिलीज हुई थी। दिल आवारा कर नजारा अच्छी सूरत वालों का, शाम सवेरे काम यही है हम जैसे मत वालों का, दिल आवारा। ये बात भी बड़ी खास है कि सुधीर साहब जब फिल्मों में हीरो थे तो मोहम्मद रफी और मुकेश जैसे महान गायकों ने इन्हें अपनी आवाज दी थी। इन पर फिल्माए गए कुछ गीत तो बड़े हिट हुए थे, लेकिन जल्द ही वो वक्त भी आ गया जब फिल्मों में इन्हें काम मिलना बंद हो गया। एक्टिंग से बेपनाह इश्क करने वाले सुधीर साहब को एहसास हुआ कि लोग अब उन्हें फिल्मों में हीरो का रोल नहीं देना चाहते, इसलिए सुधीर साहब ने बतौर विलेन फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बतौर विलेन इन्होंने शान, हरे रामा हरे कृष्णा, खोटे सिक्के, मजबूर, मेरा गांव मेरा देश, धर्मात्मा और शराबी जैसी फिल्मों में काम किया था। हालांकि ये मेन विलेन नहीं बल्कि मेन विलेन के खास आदमी के किरदारों में ही नजर आते थे। सुधीर साहब ने कुछ फिल्मों में कॉमेडी भी की थी। बतौर कॉमेडियन इनकी सबसे मशहूर फिल्म रही थी सत्ते पे सत्ता, जिसमें ये अमिताभ बच्चन के भाई बने थे। अमिताभ बच्चन के साथ तो इन्होंने कई फिल्मों में काम किया था, दीवार, कालिया, शराबी, मजबूर, शान और लाल बादशाह जैसी फिल्मों में भी ये अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए थे। शाहरुख खान की फिल्म बादशाह में भी इन्होंने एक छोटा लेकिन कॉमिक किरदार निभाया था। वहीं दूल्हे राजा में भी इनके काम को काफी पसंद किया गया था। दूल्हे राजा में ये एसएसपी निसार खान के छोटे से लेकिन मजेदार किरदार में दिखे थे। इनके करियर की आखिरी फिल्मों की बात करें तो आखिरी दफा ये झूम बराबर झूम में दिखे थे, जो कि एक बड़ी फिल्म थी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2007 में। हालांकि इनकी एक फिल्म 2009 में भी रिलीज हुई थी जिसका नाम था विक्टोरिया हाउस।
सुधीर साहब ने फेमस टीवी शो सीआईडी के भी दो एपिसोड्स में काम किया था। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो इन्होंने कभी शादी नहीं की थी। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये दावा जरूर किया गया है कि इन्होंने 70 के दशक की बेहद खूबसूरत मॉडल शीला से शादी की थी और इनसे शादी करने के बाद शीला के साथ एक बेहद बुरा हादसा भी हुआ था। इन रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि शीला सुधीर की पत्नी थी और एक रात तीन लोगों ने शीला के साथ बलात्कार किया था। हालांकि इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुधीर साहब के जानकारों ने कभी नहीं बताया कि उन्होंने किसी से शादी भी की थी। कुछ नहीं सुनूंगी, तुमने मुझे बनाया। अजी बन तो हम गए, मेरी सरकार आपके प्यार में। सुधीर साहब को रेस पर पैसा लगाने का बेहद शौक था और इनकी किस्मत इनका काफी साथ भी देती थी। इन्होंने फिल्मों और रेस से काफी पैसा कमाया था। मुंबई में इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस हो गया था। एक बात सुधीर को हमेशा परेशान करती थी। सुधीर अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे कि उन्हें नहीं मालूम कि इतने सालों तक मेहनत से काम करने के बाद उन्होंने जो दौलत कमाई है उनके बाद उसका क्या होगा। अपने जीवन का अकेलापन उन्हें बेहद खलता था और इसी अकेलेपन में उन्होंने हद से ज्यादा शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। सिगरेट तो वो बहुत ही ज्यादा पिया करते थे, इतनी ज्यादा कि जिंदगी के आखिरी सालों में उनके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था और वो बेहद बीमार रहने लगे थे। मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नजर से मुझको गिरा ना दे। सुधीर की तबीयत बेहद खराब रहने लगी थी और आखिरकार 12 मई सन 2014 को सुधीर इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मौत के वक्त उनके पास कोई नहीं था, पास रह गई थी तो बस बेशुमार दौलत और जायदाद। लेकिन एक मरे हुए इंसान के लिए ये चीजें भला किस काम की होती हैं? सुधीर अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे कि दौलत से दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन दौलत से कभी भी सच्चा प्यार और अपनापन नहीं खरीदा जा सकता। सुधीर जैसे महान कलाकार को किस्सा टीवी नमन करता है।